myself Dr. Reena Sangwan. Speech मैं आपके सामने देने वाली हूँ या जो words आपके सामने present करने वाली हूँ that were basically not meant for you people, that were meant for the chief guest of the day, because एक particular reason की वजह से पूरा scenario बदल गया. When we used to talk about students and teachers, we used to talk about hum. Being an educationist, मेरे बच्चे को ये problem है. As a teacher, मैं उन्हें मेरा बच्चा बोलती हूँ. But now, for last around 10 years, the things have completely changed. Now वो तेरा बच्चा और मेरा बच्चा हो गया. Sorry for using such words. पहले parents और teachers मिलके हम होता था. अब मैं और तुम हो गया. एक जो इतना बड़ा default आया है, एक difference आया है. दरार कहेंगे उसे, जो मर्जी कहिए, वो क्रिएट किया गया है जस्ट फॉर द पॉलिटिक्स, जस्ट फॉर द पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स. आज भी आप जब क्लास में जाते हो तो आप एक बच्चे को इस नज़र से नहीं देखते कि उसके मेंटल लेवल कम है या वो स्पेशल चाइल्ड है या उसके पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं करते, वो EWS में है. आप उसे एक स्टूडेंट की नज़र से ही देखते हो और उसे वही लेक्चर देते हो जो आपको देना होता है. पर क्या उस बच्चे को डांटने पर उसके घर से ये कंप्लेन नहीं आती कि नहीं, मेरे बच्चे को इसलिए डांटा गया है बिकॉज आई एम अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. ये दर्द हम सबका है. वी ऑल आर एजुकेशनिस्ट, हम इस दर्द से रोज गुजरते हैं. तो ये सीरियसली, ये पूरा लेक्चर इज नॉट मेंट फॉर यू पीपल. आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स राइट नाउ, सो आई हैव टू गो थ्रू इट. महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, जमीन से लेके आसमान तक और आसमान से लेके अंतरिक्ष तक. जैसे कि हमारी पिछली सरकारें, नॉट पर्टिकुलर वन, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पूर्व रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, पूर्व HRD टेक्सटाइल एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी के पास स्पेशल पोर्टफोलियोज थे. फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं, स्पेशली शिक्षिकाएं और प्रिंसिपल्स, आज भी प्रताड़ना की शिकार हो रही हैं और उसी क्षेत्र में जिसमें उन्होंने अनेकानेक उपलब्धियां पाई हैं. ऐसा इसलिए होता है कि या तो हमें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है या हमारे पास उचित कानून नहीं है. अगर हम शिक्षण संस्थानों की तरफ देखें तो पाएंगे कि वही क्षेत्र है जिसे महिलाओं के लिए सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता था. सॉरी पर मैं कोट करना चाहूंगी, जब लड़के वाले देखने आते थे या रिश्ते की बात चलती थी, अच्छा लड़की टीचर है, चलो जी हो गया. और इसी तरह अगर वो MNC में है, देखो शादी के बाद ये टाइमिंग्स नहीं चलेंगे, बेटर है वो टीचिंग जॉब में शिफ्ट हो जाए. हो सकता है मेरी कुछ बातों से आप लोग एग्री ना करें, डिसएग्री करें, तो प्लीज बाद में हम लोग वी विल टॉक अबाउट इट. अब हमारे ही क्षेत्र में उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है. शारीरिक इज नॉट इन द मंथ ऑफ मे, इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. आप एक टीचर को इतना प्रेशराइज करके रखते हैं, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल और अ पब्लिक स्कूल, टीचर डजंट एंटर द स्कूल विद अ फ्री माइंड कि मुझे आज ये पढ़ाना है. गवर्नमेंट स्कूल में टीचर एंटर करती है, मुझे याद रखना है कि आज मुझे उस बच्चे की यूनिफॉर्म उसके घर गई कि नहीं गई, उस बच्चे के पास प्रॉपर मील पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा तो उसने कितना खाया, उसका पूरा रिकॉर्ड बनाना है मील का, और अगर नहीं पहुंचा तो वो मील पैक करके वापस कैसे जाएगी. और एक बार छुट्टी हो जाए, सारे अपने घर शराफत से चले जाएं, बस माय ड्यूटी इज ओवर, फॉर विच ग्रेड्स आर बीइंग गिवन हायर देन द प्राइवेट सेक्टर्स. पब्लिक स्कूल में टीचर चाहती है होमवर्क किया, नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास अटेंड की नहीं की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल लगेगा काम हो जाएगा, पेरेंट्स से मुलाकात करेंगे तो पेरेंट्स कहेंगे मैडम आपने बताया नहीं हमें, यू डिडंट इन्फॉर्म मी, इट्स योर ड्यूटी, बिकॉज वी आर, फिर बहुत कटु शब्दों में कहूँगी, वी आर ट्रीटेड एज पेड सर्वेंट्स, नथिंग एल्स. रीसेंट कुछ घटनाएं मैं इसमें मेंशन करूंगी. जिन बच्चों का हाथ
माँ बाप पहले दिन हमारे हाथ में थमा कर कहते थे कि आज से ये आपका हुआ, जो इसके लिए सही या गलत हो, यू आर फ्री टू डू दैट, वी विल नॉट क्वेश्चन यू। आज से स्कूल के अंदर आप इसकी माँ हैं। आज वही माँ बाप आके आपसे सवाल करते हैं, मेरे बच्चे को आपने ऐसा कहा कैसा, कैसे कह सकते हो आप, दिस इज अ क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस, आप कॉर्पोरल पनिशमेंट दे कैसे सकते हो। शुक्र है कॉर्पोरल पनिशमेंट आज के ज़माने में क्रिमिनल ऑफेंस है। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था, अगर उस जमाने में होती तो शायद हम उन्हें किसी और ही श्रेणी में देख रहे होते। कुछ महीने पहले नोएडा के स्कूल में एक शिक्षिका ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। दिन दहाड़े छात्र ने टीचर को गोली मार दी। क्या हमारा कोई पर्सनल इश्यूज था उनके साथ? नहीं, सिर्फ मॉरल वैल्यूज इनकलकेट की होंगी हमने। एंड द वर्स्ट पार्ट इज एंड ऑफ द डे वी से कि रोड रेज होता है। होगा भाई, हम उन्हें बता कर रहे हैं कि आपको खुद पे कंट्रोल रखना है, मोटिवेशनल क्लासेस नहीं होती, कैसे होंगी। जब हम लोग उन्हें कहते हैं बैठो मेडिटेट करो, तो हमें अलाउड नहीं होता कि हम उन्हें मोटिवेट करने का भी जहमत उठा सकें। रीज़न बीइंग कि अगर मैंने कहा नहीं आपका बच्चा इस चीज़ में नहीं, इस चीज़ में अच्छा आप करवा दीजिए, मैम एज पर नॉर्म्स मेरे बच्चे के इतने परसेंटेज आए हैं आप सब्जेक्ट देंगे, वरना मैं कोर्ट जा रहा हूँ। तो जो शिक्षक की इज्जत हुआ करती थी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरम, मेरे ख्याल से वो चेंज होके आज की डेट में सिर्फ एक पेड सर्वेंट की रह गई कि भैया मैं पैसे दे रहा हूँ, आई एम द कंज्यूमर, आई एम द क्लाइंट, आपको ये सर्विसेज मुझे इंडिविजुअली देनी पड़ेंगी। अभी नीचे एक डिस्कशन हो रहा था जिसमें कहा गया कि 6 साल में चाइना के स्कूल में एक स्टूडेंट को देखा गया, फीमेल स्टूडेंट को, और उसने मेंस का स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। इंडिया में कैसे पॉसिबल है? आप लोग हमें घूर के देखने पे तो 50 सवाल करते हैं। अगर मैं एक बच्चे के पेरेंट्स को बुला के बोलती हूँ कि सर बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैंने उसे पागल डिक्लेयर नहीं किया, मैंने उसे बिल्कुल नहीं बोला ADHD है या नहीं है। इट मे बी बिकॉज घर में कुछ ऐसे सिचुएशंस चल रहे हों, आप कोई फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं कि बच्चा अपना टाइम स्टडीज़ में नहीं दे पा रहा, वो पहले डिक्लेयर हो जाता है कि मैम आपने मेरे बच्चे को पागल कहा कैसे। हमारे जनरेशन्स में कोई स्पेशल केस नहीं है। सो वी आर नॉट फ्री टू जज अ चाइल्ड और टू इवन हैव वर्ड्स विद द पेरेंट्स एज पर द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। ये सारी चीज़ें आप सब लोग फेस कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता है आप लोगों को लग रहा है क्यों बोल रही है ये। थोड़े दिन पहले चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ममता दुबे वॉज थ्रैश्ड बाय स्टूडेंट्स एट गांधी सेवा निकेतन इन UP। आई नो मिसेज बिनी, शी इज़ फ्रॉम UP, शी इज़ प्रिंसिपल ऑफ अ वेल नोन स्कूल। उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ा था 2 साल तक, एंड द रीज़न वॉज कि उनके नाम अरेस्ट वारंट निकले हुए थे। जस्ट ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था बच्चों का और पेरेंट्स का और टीचर्स का, जिसकी वजह से स्कूल के प्रिंसिपल अंडरग्राउंड थी नॉन अवेलेबल वारंट्स की वजह से। जस्ट इमेजिन कि उस फीमेल पर, छोड़िए उन्होंने तो जॉब करी थी उनकी टेंशन है, उस फैमिली पर, उनके बच्चों पर क्या इम्पैक्ट डाला होगा सोसाइटी ने उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। क्या एजुकेशन देना आज के युग में इतना बड़ा क्राइम हो गया कि अगर हम एजुकेट करना चाहते हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। कहते हैं दिवाली पे हर घर में एक चिराग जलाओ, ज़रूरी नहीं रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, शिक्षा से भी रोशन हुआ करते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था के अनुसार 100 कल्प्रिट्स छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को जेल नहीं होनी चाहिए। हम लोग उससे भी गिरे उस, मतलब कुछ भी हो जाए उठा के प्रिंसिपल को बंद करो, पहले FIR करो। FIR में सीधा सीधा प्रिंसिपल जाके थाने में बैठेगी, ऑनर मैनेजमेंट वो जाके थाने में बैठेंगे। मतलब वी डोंट हैव इवन अ सेल्फ रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे छोड़ो, आप कह रहे हो एटीट्यूड है मैनेजमेंट में छोड़ो, सब चीज़ें मान ली, पर क्या वो फीमेल जाके बैठे उस थाने में पियर करे वो सब कुछ, क्या हम अपने घर की बहू बेटियों को वहाँ बैठा देख सकते हैं? बट वी हैव टू बियर ऑल दिस नॉनसेंस नाउडेज, क्योंकि वी आर जस्ट कंसिडर्ड एज पेड सर्वेंट्स, नॉट एजुकेशनिस्ट, नॉट गुरुज। शिक्षा विद बहुत पीछे छूट गए, अब स्कूल वाले, स्कूल में काम करने वाले सब चोर हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग बींग कैप्शन ऑन आर फोरहेड्स,
परमानेंटली। इसमें एक्चुअली किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, ये जितनी भी मैंने अभी आपको महानुभाव गिनवाए थे, हमारी निर्मला सीतारमन जी, हमारी सुषमा स्वराज जी, हमारी स्मृति ईरानी जी, इन सबको चुन चुन कर बहुत बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज दी गई और इन्होंने बहुत अच्छे से उन ड्यूटीज़ को निभाया भी। इट्स नॉट जस्ट बी शी इज़ अ फीमेल, उन्हें वो ड्यूटीज़ दे दी गई और वो ख़त्म हो गई, उन्होंने इसे निभाया भी। तो क्या नारी के शिक्षाविद बनते ही असुरक्षा का शिकार होना ज़रूरी है? हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फ्रेंकली स्पीकिंग, लास्ट मार्च में मैंने एक सर्वे किया था, डोर टू डोर सर्वे ऑफ नियर अबाउट 20 विलेजेस ऑफ दिल्ली, आई एम मेंशनिंग इट दिल्ली, आउटर दिल्ली के विलेजेस, और एक सिंपल सा जवाब अंदर से आता था, बेटा आजकल की लड़कियां पहले तो डिसाइड नहीं करती हैं कि सेकेंड बेबी होना चाहिए, और अगर पहला लड़का हो जाए तो भूल ही जाओ कि दूसरी बेटी भी होगी। When we are not giving birth to daughters, तो empowerment की बात तो बहुत दूर की आती है। आज जब वही बेटी जो कुछ हम जैसी पैदा हो गई हैं पढ़ लिख कर उज्ज्वल भविष्य की संरचना एक शिक्षाविद बनकर करना चाह रही हैं, तो क्या उनकी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेवारी समाज और सरकार की नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू पीपल, होनी चाहिए कि नहीं? स्कूल मैनेजमेंट सारे कैमराज लगाती है, सारे गार्ड्स रखती है, सारी फैसिलिटीज देती है, बट एंड ऑफ द डे गोलियां चलती हैं। वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर टीचर्स। अंत में इस मंच से मैं हम सभी शिक्षाविदों की ओर से सिर्फ इतना ही निवेदन करती हूँ कि हमें सरकार से केवल सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम सभी हर इस देश के हर वासी से ये वादा करते हैं कि उनकी सोच से भी परे उज्ज्वल भविष्य की संरचना करके देश की युवा पीढ़ी हम उन्हें देंगे। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू टुडे स्लोगन इज शिक्षा का सही मान, शिक्षक की सुरक्षा और सम्मान। थैंक यू। नहीं सर, सर एक्चुअली सर पॉइंट इज मैं उसमें ना शिक्षक और शिक्षिका बार बार बोलती तो आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता। मैम को सेकंड करूंगा इस बात पे, तो बेसिकली जो आप